फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋचा अपने चैनल हेल्थ दिमाग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए मिथ और क्या सच है क्या गलत, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर अभिषेक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है एपेक्स हॉस्पिटल मानसर रोड जयपुर। डॉक्टर अभिषेक हमें बताएं ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, तो आज हम उससे रिलेटेड सारी जितनी भ्रांतियां हैं वो सारी दूर करेंगे और क्या सच है और क्या गलत है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है डॉक्टर अभिषेक कि कैसे पता चलेगा कि बच्चा माँ से वेल अटैच्ड है और वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसमें हमें ये पता करना है कि बच्चे को माँ का दूध अच्छे से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को किसी भी पोजिशन में चाहे लेटे हों चाहे बैठे हों उसे फीड करा सकते हैं। उसमें हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। एक तो बच्चे का फेस जो है वो माँ के छाती की तरफ होना चाहिए। दूसरा, बच्चे की चिन जो है वो माँ के ब्रेस्ट पर अटैच होनी चाहिए। तीसरा, बच्चे का जो मदर का जो एरियोला है और जो निप्पल है वो पूरा बच्चे के मुंह में आना चाहिए, ना कि सिर्फ निप्पल और ना कि सिर्फ एरियोला। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि वो ब्लैक वाला जो पोर्शन है लैटिस एरियोला वो पूरा का पूरा बच्चे के मुंह में नहीं जाता और सिर्फ निप्पल को वो बाइट करते हैं। इससे एक तो उनको इनसफिशिएंट मिल्क मिलता है, सेकंड उस निप्पल को बाइट करने के कारण निप्पल्स कट हो जाते हैं और फिर मदर को पेन होने लग जाता है और फिर कंजेशन होने लग जाता है। ये भी बहुत कॉमनली होता है कि बच्चा दूध पीते पीते ही सो जाता है और फिर वो प्रॉपर दूध नहीं पी पाता, तो कैसे उसको उठाए और कितना दूध पिलाए। नॉर्मली बच्चे जैसे पहले कुछ मिनट दूध पीते हैं तो वो जल्दी ही सो जाते हैं, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पर हमें ये ध्यान देना है कि एक नॉर्मल जो ब्रेस्ट फीडिंग का साइकिल होता है वो 20 से 25 मिनट का होता है। तो अगर बच्चा आपका पहले कुछ मिनट में सो जाता है तो आपको उनको सोल पे टिकल करना है, उनके कान में मसाज करना है, उनको उठाना है और पूरे 20 से 25 मिनट तक फीड कराना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि हमें पहले एक ब्रेस्ट जो है पूरा एम्प्टी करना होता है, उसके बाद ही हम दूसरा ब्रेस्ट उससे अटैच करें। दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाना कितना जरूरी है और क्या सही तरीका है डकार दिलाने का? नॉर्मली बच्चे को जब भी हम फीड कराते हैं तो हमें बच्चे को पीठ के बल उठाना होता है और हमें कंधे पे रखना होता है, जो हमें करीब करीब 5 से 10 मिनट तक बच्चे को उसी पोजीशन में रखना है, उनकी जो पीठ है उस पर मसाज करना है और उस पर टैप करते रहना है ताकि बच्चे को डकार आ जाती है। अगर किसी वजह से डकार नहीं भी आती है तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें बस 5 से 10 मिनट तक हर बार उसको उठा के रखना है। So that कि मिल्क नीचे चला जाए और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक। कई बार बच्चे जैसे ही दूध पीते हैं वैसे ही दूध निकाल देते हैं, तो कई लोग बहुत अपसेट होते हैं, बहुत बार वॉमिटिंग कर देता है, तो इज इट नॉर्मल कई बार दही जैसा भी निकालते हैं? दोनों ही चीजें नॉर्मल है। अगर बच्चा दिन में 5 से 6 बार स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क दूध पीते ही निकालता है तो वो बच्चे के लिए नॉर्मल प्रोसेस है। और अगर वो कर्ड जैसा भी हो सकता है और वो नॉन कर्डी भी हो सकता है, दही जैसा भी हो सकता है और वो पानी जैसा भी हो सकता है या दूध जैसा भी हो सकता है, तो दोनों चीजें नॉर्मल है। कई बार बच्चों को खांसी हो जाती है, छींक बहुत आती है और कई बार हिचकियां बहुत आती है, ये सारे प्रोसेस नॉर्मल ही है। जो छींकें होती है वो बच्चों के अपने रेस्पिरेटरी ट्रिक अपने नाक क्लियर करने का एक तरीका होता है। तो अगर कुछ छींकें बच्चे को आती है, कुछ खांसी हो जाती है और बच्चे की नाक बंद हो जाती है, तो तीनों ही चीजें बच्चे के लिए नॉर्मल है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली मैं जब भी राउंड लेती हूँ तो पेशेंट मुझसे पूछते हैं, जैसे गर्मी है अभी तो एसी का टेम्परेचर कितना रखें, बच्चे को कितने कपड़े ओढ़ाएं, ठंड में बच्चों को कितनी ठंड लग रही होगी तो कितने स्वेटर पहनाएं, तो ये सब हम कैसे मेजर करें और कैसे करें? नॉर्मली गर्मियों के महीने में हमें एसी का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री के आसपास रखना होता है। बच्चे को एक कॉटन की लेयर जो होती है वो पहनानी होती है और सर्दियों में बच्चे को हमें कैप पहनानी है, मिटन्स पहनाने हैं, सॉक्स पहनानी है और जितने कपड़े हमने पहने हैं, जैसे कि हमने अगर 2 कपड़े पहने हैं तो बच्चे को एक एडिशनल कपड़ा हमें पहनाना है, तो अप्रोक्सीमेट बच्चे को अगर हमने 2 पहने हैं तो उन्हें 3 हमें कपड़े पहनाने चाहिए सर्दियों में। बच्चे जब सोए तो किस पोजीशन में? जनरली बच्चे ऐसे होते हैं कि हमेशा पलट जाते हैं और पेट के बल सो जाते हैं, तो उनको सीधा करना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो जिस बिस्तर पर हम बच्चे को सुलाते हैं वो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें हमेशा बच्चों को बैक पे सुलाना चाहिए, पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी सांस में तकलीफ हो सकती है।
कब बच्चे को नहलाना शुरू करें? बच्चे को जब हमारी नाल जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं वो करीब करीब 7 से 10 दिन में गिर जाती है, उसके बाद हम बच्चे को नहला सकते हैं। इससे पहले हम उसे स्पॉन्ज कर सकते हैं, सिर्फ गीले कपड़े से उनको पोंछ सकते हैं, नहलाना जरूरी नहीं, नहलाना जरूरी नहीं। और ये सब एक कॉस्मेटिक जैसे जॉनसन का है, टेलकम पाउडर, बहुत सारे कॉस्मेटिक है बाजार में, कई बार उसको अप्लाई करने से रैशेस भी आ जाते हैं, तो कितना एसेंशियल है इनको लगाना? कोई भी कॉस्मेटिक के लिए बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें कोई भी साबुन पाउडर, टेलकम पाउडर, डीओ, फ्रेग्रेंस कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। नारियल तेल आई थिंक सबसे ज्यादा सही है। मसाज हम बच्चे की कर सकते हैं दिन में 2 बार, वो भी नारियल का तेल हम यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल हम यूज कर सकते हैं, बट आलमंड ऑयल और सरसों का तेल हमें यूज नहीं करना चाहिए, नहीं घी से भी मसाज नहीं करना चाहिए। ये सब बच्चे के लिए स्किन के लिए इरिटेंट होते हैं, इससे दाने निकल सकते हैं, इसके एलर्जी हो सकती है और रैशेज आ सकते हैं। और कई लोगों को नजर न लगे बच्चों को इसलिए काजल बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो काजल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बहुत मना करते हैं, क्या नुकसान करता है ये काजल? काजल में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन होते हैं, चारकोल होता है, वो सारी जो कार्बन होता है वो बच्चे की आई साइट के लिए बहुत खराब होता है, वो पार्टिकल आंख में जाके रिएक्शन कर सकते हैं, पार्टिकल से रेडनेस हो सकती है, पार्टिकल से इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए काजल का कोई रोल नहीं है, इसलिए काजल को अप्लाई नहीं करना चाहिए। कुछ नॉर्मल बिहेवियर जो है बच्चों का है, लेकिन उसके लिए माँ बहुत कंसर्न रहती है कि कहीं मेरा बच्चा बीमार तो नहीं है, कहीं इसको प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे बच्चा दिन में कितने घंटे सोता है? बच्चे की जो नॉर्मल स्लीप साइकिल होती है उसमें बच्चे करीब करीब 18 से 20 घंटे सोते हैं, और उनके सोने का सबसे ज्यादा टाइम जो होता है वो दिन में होता है, बच्चे रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, ये उनका स्लीप साइकिल होता है, ये करीब करीब 3 महीने तक चलता है, और फिर ये अपने आप ही सेट हो जाता है, फिर अपने आप ही सेट हो जाता है धीरे धीरे करके, वो बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो उनके रात की नींद बढ़ जाती है और दिन में वो जगने लग जाते हैं। बेबी कई बार नाइट में बहुत फसी होते हैं, बहुत डिमांडिंग होते हैं, बहुत रोते हैं, मैनेज करना मुश्किल होता है, तो क्या करें ऐसे टाइम? जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे रात को जागते हैं, बच्चों को स्लीप साइकिल उल्टा होता है, इसलिए हमें बच्चों को रात को फीड कराना बहुत जरूरी है, हम हर 2 घंटे में या फिर 3 घंटे में बच्चों को फीड कराना चाहिए, और हमें इसके लिए परेशान नहीं होना है कि बच्चे रात को ज्यादा जाग रहे हैं, रात को सो नहीं रहा है, उनका पूरा स्लीप साइकिल होता है जिसमें 18 से 20 घंटे पूरे दिन में सोते हैं। एक बच्चों का स्टूल कैसा होता है? जनरली जैसे ही बच्चे डिलीवर होते हैं उसके बाद तो ये कुछ ब्लैक डैरी स्टूल करते हैं, उसके बाद नॉर्मल कलर होता है, इज इट नॉर्मल? बच्चों का जो स्टूल का कलर है वो धीरे धीरे करके चेंज होता है, शुरू में वो ब्लैक होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रीन होता है, उसके बाद वो पीला स्टूल पास करना शुरू करता है, इसके लिए कलर पे बच्चे के स्टूल पे परेशान नहीं होना चाहिए, ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बच्चों में होता है। और डिलीवरी के कितने घंटे तक बच्चों को एक बार यूरिन और स्टूल पास करना चाहिए? नॉर्मली 24 घंटे के अंदर बच्चों को एक बार स्टूल पास कर लेना चाहिए, 48 घंटे के अंदर अंदर बच्चों को यूरिन पास कर लेना चाहिए। अगर दोनों ही टाइम से नहीं होता तो फिर अपने को डॉक्टर से बात, तो आपको अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे बच्चे ने स्कूल पास नहीं किया है, फिर यूरिन पास नहीं किया। एक तो बच्चों का रैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं विद इन 7 डेज, कुछ भी लगाया मदर्स को बहुत कंप्लेन होती है, एब्नॉर्मल रैशेस किस कारण होते हैं? कुछ रैशेस ऐसे होते हैं जो बच्चों में नॉर्मल होते हैं तो 3 से 4 दिन पे आते हैं और अगले 7 दिनों में वो सबसाइड हो जाते हैं, वो चेहरे पे आते हैं, छाती पे आते हैं, बटक्स पे आते हैं, लाल लाल दाने की तरह आते हैं, ये बच्चों में एक इरिथमा टॉक्सिकम होता है जो एक नॉर्मल कंडीशन है जो बच्चों में रहती है। अगर रैशेस परसिस्ट कर रहे हैं, उसमें इचिंग बहुत ज्यादा है, इसमें से कोई मवाद या कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। डिलीवरी के बाद बच्चों का वेट गेन या वेट लॉस, इसके पीछे क्या लॉजिक है? बच्चा जब पेट में रहता है, माँ के वूम में रहता है, तो बच्चों में एडिशनल फ्लूड होता है जो यूरिन के थ्रू पैदा और डिलीवर होने के बाद पास होता है, शुरू के 5 से 7 दिन बच्चे अपना वजन कम करते हैं, उसके बाद से बच्चे अपना वजन वेट गेन करना शुरू करते हैं। कितना वजन कम करते हैं? शायद 100 से 200 ग्राम इनका नॉर्मल है वेट कम होना। अपनी जो बर्थ वेट होता है उनका, अगर बच्चा टर्म है पूरे महीने का है तो 10% तक नॉर्मल होता है, अगर बच्चा प्री टर्म है और कम दिन का है, कम वजन का है, तो 15% तक उनका वेट लॉस हो सकता है। एक बहुत कॉमन कंप्लेन है कि जैसे ही बच्चे यूरिन करते हैं उसके बाद रोते हैं, तो इसमें कई लोगों को लगता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक इट इज नॉर्मल, आप इसके बारे में डिटेल बताएं। अगर बच्चा यूरिन पास करने के पहले रोता है और यूरिन पास करते ही ठीक हो जाता है
तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। पर अगर बच्चा यूरिन पास करते वक्त भी रोता है और उसके बाद भी रोता रहता है तो फिर एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक क्वेश्चन, बच्चों की स्टूल फ्रीक्वेंसी है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक ही दिन में 7-10 बार पॉटी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे 7 दिन में एक बार करते हैं, हर बार दूध पीने के बाद कई बच्चे पॉटी करते हैं, तो कितना नॉर्मल है और कब डॉक्टर से दिखा सकते हैं? अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो 10-15 बार बच्चे का फीड दूध मोशन करना नॉर्मल है और 6-7 दिन में एक बार मोशन करना वो भी नॉर्मल है। पर हमें ये ध्यान देना है अगर बच्चे का पेट फूलता है, उसके स्टूल में ब्लड आता है और उसका वेट गेन नहीं होता है तो फिर एक बार आप जरूर डॉक्टर को जाइए। कई बार बच्चों को पीलिया हो जाता है तो बहुत बार ये नॉर्मल भी होता है, 2-4 दिन के अंदर होता है बच्चों को, तो कब इसको हम बीमारी समझते हैं, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? नॉर्मली सारे बच्चों को थोड़ा बहुत पीलिया होता है, पर 95% जो बच्चे होते हैं बिना किसी जांच के बिना किसी ट्रीटमेंट के निकल जाते हैं, पर 5% बच्चों को पीलिया में कुछ जांच की जरूरत होती है। अगर वो पीलिया का लेवल थोड़ा ऊपर होता है तो उन्हें ब्लू लाइट से फोटोथेरेपी बोलते हैं वो देना पड़ता है। इसलिए आपको जब भी लगता है कि बच्चे को पीलिया है तो एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। कुछ ऐसी जांचें हैं जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ये हमें करानी चाहिए, इन जांचों के बारे में कुछ बताएं। कुछ बेसिक स्क्रीनिंग होता है बच्चों में, जैसे पहली है हियरिंग स्क्रीनिंग, इसमें बच्चा सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है, इसलिए हम बच्चे के कान में एक मशीन डाल के फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का सुनने की क्षमता कितनी है और इसके अकॉर्डिंग हम बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी कुछ मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग होती है जिसे हम कंजनाइटल डिजीजेस के बारे में पता कर सकते हैं, तो इसमें क्या कौन कौन सी? मेटाबॉलिक स्क्रीन में हम एक्चुअली कुछ बीमारियां होती हैं जो जन्म के वक्त हमें पता नहीं चलता है, जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो बच्चे को दौरे पड़ने लग जाते हैं, उसका डेवलपमेंटली विकास नहीं होता है, उसकी टोन कम रह जाती है, उसकी सांस तेज चलने लग जाती है, तो इसके लिए कुछ बीमारियां होती है जैसे हाइपोथायराइड है, CAH है, गैलेक्टोसीमिया है, G6PD है, ऐसी कुछ बीमारियों को जांच हम जन्म पे कर लेते हैं ताकि हम उसका इलाज उस बीमारी के सिम्टम के पहले कर पाए। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक, आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत अच्छे जवाब दिए और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी अपने बच्चों में ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और बहुत जल्दी परेशान होंगे।